25 जून साल 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगे आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और देश में सरकार ने नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगा दिया था। 12 जून साल 1975 को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण को विजयी घोषित कर दिया। राज नारायण की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर तय सीमा से अधिक रुपया खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 25 जून साल 1908 को सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ। ये देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक होने के साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। इन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। सुचेता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं और 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले उन्होंने राष्ट्रगान गाया था।